हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम क्लास ट्वेल्थ में उठाते हैं मैथ सब्जेक्ट को, ओके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपके ट्वेल्थ क्लास के लिए मैथ में वो है आपका कैलकुलस। मतलब 45% आती है इससे आपको 100% में, ओके। तो अपने पास क्या करना है, हमको कैलकुलस में वो इजी और मीडियम पोर्शन उठाएंगे जो सब बच्चों के लिए आसान होता है। चौपट से चौपट बच्चा उसको तरीके से बना ले तो आपको उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो उसमें जो अपने पास होता है कि आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 और 7 जो है पूरे कैलकुलस का सबसे इजी पोर्शन है। थोड़ा डिफिकल्ट भी है मगर उसमें से भी हम इजी पोर्शन उठाएंगे, मीडियम उठाएंगे और आपको तरीके से बनाना सिखाएंगे ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मजेदार आ जाए पूरा, ठीक। चलिए तो हम शुरू करते हैं कि डिफरेंशिएशन पहला क्या करेंगे हम लोग कैलकुलस में। पहले हमारे पास क्या होता है, कैलकुलस में दो मेन चीज है आपके पास, एक होता है डिफरेंशिएशन दूसरा आपके पास इंटीग्रेशन। हम लोग पहले शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन से और डिफरेंशिएशन अगर आपको तरीके से समझ में आ गई तो इंटीग्रेशन समझिए ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन खत्म हो गया उसका। एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। डिफरेंशिएशन का उल्टा अपने पास क्या होता है, इंटीग्रेशन, और इसका उल्टा होता है डिफरेंशिएशन। तो शुरू करते हैं हम लोग कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। जनरल भाषा में कहा जाए तो टुकड़ा 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 तोड़ना को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना। और इसे ग्राफिकल मीनिंग देखें अगर हम लोग तो ध्यान समझिए ग्राफ के बारे में क्लास 10वीं से हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये अपने पास एक्स एक्सिस होता है, ये अपने पास वाई एक्सिस होता है। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है या एक ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ओके, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होता है आपके पास एक्स और वाई में है। तो इस पॉइंट को मानते हैं हम लोग, ये हो गया एक्स वन वाई वन, ये हो गया आपके पास एक्स टू वाई टू, ओके। अब हमको क्या करना है कि एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम लोग स्लोप, क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं स्लोप। स्लोप अगर जानना हो तो क्या होता है जनरल भाषा में कि कोई भी जमीन से कितना एंगल पे उठा हुआ है उसको बोलते हैं स्लोप हम लोग। तो फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि एक्स एक्सिस के हिसाब से कितना अपने पास एंगल पे उठा हुआ है तो इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप निकालने का सबसे आसान तरीका होता है आपके पास कि टैन थीटा आप निकाल सकते हैं, क्या करते हैं टैन थीटा। चलिए तो हम लोग टैन थीटा निकालेंगे हम लोग और ये एंगल हम लगाएंगे जमीन से, मतलब कि अपने पास ये वाला हमको यहाँ से वैल्यू निकालना है, ऐसे करके ये एंगल हमको निकालना है। तो हम टेन थीटा लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास पी बट्टे में बी, परपेंडिकुलर बाई में बेस, लंबटे आधार। तो पहले उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं कि यहां से हम लोग डाल देते हैं परपेंडिकुलर। अब हमको क्या चाहिए, ये हो गया अपने पास पी, ये हो गया अपने पास बी, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस क्योंकि ये अपने पास y एक्सिस के पैरेलल है तो y वाला पॉइंट पॉइंट घटाएंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, देखिए ये पोर्शन कितना है यहाँ, ये पोर्शन इतना ना, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, तो ये यहाँ अपने पास कितना अपने पास y1, ये अपने पास y2। अगर हमको सिर्फ ये पोर्शन चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम यहाँ वाला में से यहाँ वाला घटा देंगे तो मिल गया हमको, तो ये पी बराबर कितना हो गया हमारे पास वाई टू माइनस में वाई वन, क्लियर। और अगर हमको ये पोर्शन चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, ठीक, ये पोर्शन चाहिए तो ये देखिए हमारे पास x पे जाएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू को हम क्या बोलते हैं x2, ये वाला वैल्यू क्या हो रहा है हमारे पास x1। तो अगर ये निकालना हो तो x2 माइनस x1 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास x2 माइनस में x1। तो आपके पास p भी मालूम हो गया और b भी मालूम हो गया आपके पास, ये b है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, क्या पुट करेंगे हम लोग, P का वैल्यू कितना है अपने पास y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और ये कितना है पास B x2 माइनस x1। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं चेंज इन करके, ये हमारे पास क्या बन गया कि इसको ट्रायंगल से दिखाते हैं चेंज इन y बटे में चेंज इन x, मतलब कि y में कितना बदलाव हुआ है और x में कितना बदलाव हुआ है, दोनों का रेशियो है अपने पास क्या स्लोप। आगे चल के ये अपने पास डिस्टेंस जितना है अगर मोटा मोटा डिस्टेंस रहा है तो हम लोग चेंज इन लगा के लिखते हैं और यही डिस्टेंस आपका ना के बराबर हो जाए तो यही बदल जाता है आपके पास डी वाई बाई में डी एक्स, और इसी का नाम है अपने पास डेरिवेटिव, या मशीन हो गया, एक तरह का फंक्शन है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला।
तो बात समझ में आई कहानी कहां शुरू हुई है। अगर ये तो अपने पास स्ट्रेट लाइन था, इसी को अगर हम मान लीजिए कर्व लाइन में कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक और ग्राफ है और इस बार हमारे पास क्या है, कुछ ग्राफ ऐसे हैं, तो हम कहेंगे कि यहां पर अपने पास, यहां पे कितना अपने पास, और यहां पे कितना, और यहां पे कितना, यहां पे कितना, ये अपने पास इस पॉइंट सब पर ग्राफ क्या करना है, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालेंगे हम लोग, क्या होगा यहाँ पे, ये हुआ, फिर हमारे पास ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, फिर यहाँ पे ये हुआ, ये स्लोप जो बन रहा है अपने पास, ये स्लोप कितने कितने एंगल पे अपने पास इससे उठ रहा है, हो रहा है ना, अपने पास हर पॉइंट में वेरी कर रहा है। तो अगर हम हर पॉइंट बनाने शुरू कर दें, ये ट्राइंगल ऐसे ऐसे करके ये बनाए, फिर ट्राइंगल बना, फिर यहाँ बनाए, फिर ट्राइंगल बना, फिर यहाँ बनाए, फिर ट्राइंगल बना, तो क्या हो रहा है, हर जगह वेरी कर रहा है। तो जो वेरी करता है तो उसको एग्जैक्टली हम पूरा नहीं कर सकते हैं फिक्स, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि ये वाला काम करेंगे हम लोग, तो हमको हर जगह कितना 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 झुका हुआ है, कितना स्लोप है हर पॉइंट पे, वो निकल के आ जाता है। तो सीधा शब्दों में कहा जाए तो डिफरेंशिएशन क्या है अपने पास, कि किसी भी ग्राफ के हर एक पॉइंट पर स्लोप निकालने को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन कहते हैं अपने पास। तो डिफरेंशिएशन का ये मीनिंग हुआ। अब जो अपने पास बोर्ड में आती है क्वेश्चन, ये सब उतना नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन आती है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, फॉर्मूला से। चलिए जानते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। फॉर्मूला जाने से पहले एनसीईआरटी का जो अपने पास है, एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर अपने पास 5 पढ़ना है। 5 में भी हमको 5.2 से लेके 5.7 तक जानी है आपको। अगर 5.2 से लेके 5.7 तक जान गए तो डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट अब बनाना सीख गए। चलिए तो कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं लिख रहा हूं। सबसे बेसिक फॉर्मूला आता है, पहला फॉर्मूला जिसको समझना जरूरी है। एक तो समझ में आ गया है कि आपको इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक तरह का हमारे पास डिफरेंशिएशन का मशीन है, फंक्शन है। फंक्शन हमारे पास इस तरह से होता है कि उसमें कुछ रखते हैं इनपुट, तो हमें कुछ आउटपुट देता है। जैसे आटा चक्की, उसमें गेहूं रखे, हमको आटा दिया, इस तरह का फंक्शन का तरह काम करता है। तो डिफरेंशिएशन भी अपने पास डी बाई डी एक्स अपने पास क्या होगा, इस तरह का फंक्शन है, मशीन है, इसमें हम कुछ रखेंगे हमको कुछ देगा ये। तो मशीन अपने पास वापस लौट के नहीं आता है, हम लोग गेहूं पिसवाने जाते हैं तो गेहूं दिए हैं मशीन में, तो आटा दिया है मशीन, मशीन लेके नहीं आते हैं हम लोग, सिर्फ आटा लेके आते हैं जो आउटपुट मिलता है। तो रिजल्ट भी जो आएगा इसका, सिर्फ और सिर्फ जो ये करके देगा हमको, वही हमारा आंसर होता है। डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ काम है करना। चलिए तो यहाँ पे अपने पास कुछ ना कुछ वैल्यू रखा जाता है, बहुत सारे वैल्यू रखेंगे हम लोग, अलग अलग तरह के फंक्शन रखा जाता है। तो यहाँ पे जो भी रखा जाता है, क्या सब रखा जाता है बता रहा हूँ मैं आपको, अलग तरह के फंक्शन। एक तो आपका हो गया अलजेब्रिक फंक्शन रखा जा सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इटी से कर दीजिए, कभी कभी इनवर्स फंक्शन भी रखते हैं हम लोग, हाँ इसलिए हम इटी से लगा लिखे जाते हैं इनवर्स, इनवर्स फंक्शन। तो मतलब यहां रखने के लिए हमको ये सब रखा जाता है। अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें हम, तो आपके पास एक्स प्लस समथिंग रहेगा, मतलब कि अगर एक्स के वेरिएबल में रखे हम लोग तो, हाँ आपके पास 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला कुछ भी रहेगा अपने पास, मतलब कि अपने पास ये इस तरह का रहेगा। लॉगरिथम में आपके पास लॉग में शामिल रहेगा क्वेश्चन, ठीक। एक्सपोनेंशियल में आपके पास ई टू दी पावर एक्स के फॉर्म में रहेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक जानते हैं क्लास 10 से आपके पास कि साइन कॉस टेन ये सब रहेगा आपके पास। ये जो हम लिखे हैं इनवर्स अपने पास, इसी का इनवर्स होता है अपने पास कि साइन इनवर्स, ठीक, साइन इनवर्स समथिंग, फिर अपने पास कॉस इनवर्स, फिर अपने पास टेन इनवर्स। तो ये सब हम लोग यहाँ पे रखते हैं और ये मशीन हमें कुछ काम करके देता है जिसको बोलते हैं कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये बात पहले समझ में आए कि ये मशीन है, इसमें हमें कुछ ना कुछ रखना होता है, रखने वाला सामान सब क्या सब है वही बता चुके हैं आपको हम। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, शुरू करेंगे हम लोग पहले अलजेब्रिक फंक्शन से, ठीक।
इसका पहला फॉर्मूला डी बाई में डी एस, जो नीचे में है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन हम लोग। तो जो नीचे में है ये अपने पास एक्स, ये वेरिएबल हुआ, ऊपर जो भी लेंगे हम एक्स के वेरिएबल में ही लेंगे, तब जाके हमारा काम करेगा ये मशीन। तो हम क्या करते हैं, पहला अपने पास लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन एक्स टू द पावर समथिंग एन लेते हैं अभी हम, ये मेन फार्मूला होता है हमारे पास। तो किसका हो रहा है डिफरेंशिएशन, सिर्फ इतना पोर्शन का हो रहा है, ये तो मशीन हो गया अपना। तो पावर जो है जाता है पीछे और वापस ज्यों का त्यों लिखने पर पावर घट जाएगा, फिर हमारे पास जितना रहेगा पावर घट गया, कुछ पलने पर होगा। एग्जाम्पल है समझेंगे बात को हम लोग, जो नए बच्चे हैं उनको बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, एग्जाम्पल पूरा मामला क्लियर कर देगा आपका। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि आपको इस मशीन में रखना है एक्स स्क्वायर, तो किसका हो रहा है डिफरेंशिएशन, हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर का हो रहा है। इसके हिसाब से काम करेंगे तो कितना पावर गया पीछे, फिर हम ये जो कत्यो लिखे मगर पावर में से घटाना है हमको, कितना हो गया 2 का 2 x का x, दो में से एक गया एक, पावर हम एक लिखते नहीं, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास 2x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2x आ गया। क्या आप बोल सकते हैं इसी मेथड से अगर हम x क्यूब का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका सिर्फ हो रहा है तो पावर गया कहाँ पीछू, और पावर में से घटा दीजिए, तीन में से एक गया कितना हो जा 2 बच्चा, आंसर कितना हो गया 3x स्क्वायर। इसी तरह से हम और बनाना चाहें तो एक्स पावर मान लीजिए 7 है आपके पास, डायरेक्ट बोलिए 7 गया पीछे पावर घट गया, डायरेक्ट हो रहा है पास। हाँ अब ये सिंपल सिंपल आपको नहीं मिलेगी, जैसे मान लीजिए कि हम इस बार कर रहे हैं माइनस प्लस का खेल पता होना चाहिए आपको, माइनस 2 करना है हमको, तो क्या है इसका हो रहा है पावर कितना है माइनस 2 है। आप जितना माइनस 2 था उसमें से माइनस 1 करेंगे कितना हो गया बताइए, ये माइनस 2 रुका माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो गया। माइनस का चक्कर बहुत खराब, हाँ इसलिए ध्यान से काम करना होता है। फिर आपके पास ये भी हो सकता है एग्जांपल नंबर 5 कि जो मशीन है इसमें आपको पावर फ्रैक्शन में देते हैं, मान लीजिए 3/2 है, पावर क्या है 3/2 है, तो अपने पास डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका हो रहा है तो पावर कितना है 3/2, तो 3/2 या पिछू घटाएंगे हम लोग, 3/2 में से घटाना है 1, कहीं कोने में जाइएगा आप 3/2 और माइनस 1 कीजिए, एलसीएम कितना 2, 3 का 3 माइनस 2, 1 बाय कितना आ गया 2। अब इसको फ्रैक्शन नहीं आती है, जाके पहले तरीके से सीखिए, ये सब अपने पास दिमाग में होना चाहिए, अभी मैं स्टार्टिंग है इसलिए बता दे रहा हूँ लिख लिख के। तो 3/2 में से एक गया कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से आप किसी भी तरह से आपको रहेगा अगर इस तरह का फॉर्मेट में तो आप बना सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला अब समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि और कौन सा फॉर्मूला सब है। हम लोग क्या करेंगे पहले एक फॉर्मूला का पूरा लिस्ट बना लेंगे और उसके बाद फिर बड़ी मजा आएगा बनाने में डिफरेंशिएशन। ये तो आप देख चुके हैं, दूसरा फॉर्मूला अगर मान लीजिए कि आपके पास रूट एक्स आ जाए, इसका क्या होता है बस रूट एक्स को एक मुक्का मारिए नीचे भाग गया रूट एक्स और 2 लगा दीजिए, प्रूफ है इसका कैसे होता है। सो फिर हम लोग क्या करेंगे कि 1/x करेंगे, तो क्या हो जाता है ये 1/x² मगर माइनस में हो जाता है, एक्सपोनेंशियल का करेंगे हम लोग तो ज्यों का त्यों इसको प्रति भर फरकने पड़ता है कि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है कि अपने पास इंटीग्रेशन हो रहा है, ज्यों का त्यों रहता है। अगर a टू दी पावर x है तो पहले ये ज्यों का त्यों आ जाएगा और साथ में log लेकर के आएगा और जिसके ऊपर पावर है मतलब a के ऊपर तो ये लेकर जाएगा अपने पास। अब आते हैं हम लोग कुछ अपने पास से log x का हो गया अपने पास, इसका होता है 1/x। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग को देखना है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सभी का बारी बारी से करेंगे हम लोग। पहले करेंगे साइन का, साइन एक्स का अपने पास डायरेक्ट आता है आंसर कॉस एक्स,
फिर कॉस एक्स का करेंगे हम लोग तो ये होता है पास माइनस साइन एक्स, 7 8 ये आपके पास 9 हो गया। कॉस हो गया 10 का करेंगे का होता है पास sec स्क्वायर एक्स, 10 के बाद cot का करेंगे हम लोग, इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। फिर हम क्या करेंगे 10 हो गया 11 cot हो गया, उसको हम क्या करेंगे sec का, इसका होता है sec गुना में 10, तो sec x गुना में 10x, 12वां नंबर cosec x का, तो ये होता है माइनस में cosec x अब गुना में पास cot x, 6 का हो गया। अब ध्यान से देखिए माइनस किस में लग रहा है, सो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू हो रहा है उसके आंसर में क्या हो रहा है माइनस लग रहा है, जो सी से शुरू हुआ यहां लगा माइनस, सी से हुआ शुरू लगा माइनस, तो इसलिए माइनस वाला में कंफ्यूज नहीं करना है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि किसी कांस्टेंट टर्म का, ये 2 हो गया 4 हो गया 5 हो गया बट्टे में हो रूट में हो किसी में हो, किसी कांस्टेंट टर्म का अगर हम करेंगे डिफरेंशिएशन, किसी कांस्टेंट के मान लीजिए कांस्टेंट है उसका करते हैं तो हमारे पास 0 हो जाता है। क्लियर। एक फॉर्मूला हम और जान सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी कांस्टेंट में हमारे पास सिर्फ x वो वेरिएबल जुड़ा हुआ जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, जैसे k इनटू में x लगा हुआ है, तो आपके पास क्या होता है पास कि डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाता है k रुक जाता है x का 1 हो जाता है, मतलब कि हमारे पास x भगा दीजिए हो गया। और अगर अपने पास डायरेक्ट हम बोलेंगे कि x का ही करना है सिर्फ x का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा पास डायरेक्ट 1 हो जाता है। तो इतने सारे फॉर्मूला को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया एक स्टेप अपने पास कि फॉर्मूला याद करना, दूसरा स्टेप है कि कैसे मेथड से करते हैं हम लोग, सेपरेशन होता है अपने पास, ठीक, उसके बाद आपके पास कई सारे रूल होते हैं, हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और काम करते हैं। तो हम लोग अपने पास रूल एक तरह से बोल सकते हैं, रूल स्टार्टिंग का जो मेथड होता है, पहला होता है मेरे पास सेपरेशन का, दूसरा होता है आपके पास चेन रूल, आपका होता है प्रोडक्ट रूल, फिर अगला होता है अपने पास कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल का दूसरा नाम होता है पास गुना वाला रूल, हाँ मल्टीप्लिकेशन रूल, इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन रूल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिवीजन रूल, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल। मतलब ये गुना के फॉर्म में रहेगा, ये भाग के फॉर्म में रहेगा, आपके पास जानेंगे सबको बारी बारी से कैसे कैसे होता है। सो चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सेपरेशन वाला फोकस करते हैं। तो पहला हमारे पास सेपरेशन वाला, मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में साइन एक्स प्लस में ई एक्स, कह रहा है आपको कि dy बाई डी एक्स निकालिए, फाइंड dy बाई में dx, आपको तो पता है कि हाँ ये वाला मशीन है आपके पास, है कि नहीं, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करने का मशीन, तो किसका करना है वो यहां लिखा हुआ है y, y क्या है मेरे पास पूरा ये, मतलब इसका पूरा डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कह रहा है, जो दे रखा है पहले हम वहां से उठा लेंगे, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में साइन एक्स प्लस में ई एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखना पड़ता है हमको, हाँ कि डिफ्रेंशिएट शॉर्टकट अपने पास, हाँ बोथ साइड, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू को शॉर्टकट में डब्ल्यू आर टी सकते हैं आप, हाँ तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे तभी हम ये नीचे में डी एक्स लिखेंगे।
चलिए इधर लगा दीजिए हमारे पास मशीन, तो इसका कर रहे हैं तो यहाँ हो गया, इधर भी लगेगा सब जगह हमारे पास, बस सेपरेट सेपरेट लगाएंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग सेपरेशन, मतलब बस सेपरेट सेपरेट, जहाँ जितना टर्म है ना हर टर्म अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा सबका। तो ये एक्स स्क्वायर का अलग हो गया, साइन एक्स का अलग से हो जाएगा, और फिर ई एक्स का अलग से हो जाएगा। आपको पता है कि हाँ एक्स स्क्वायर का पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो पावर पीछे हो गया और पावर घट गया, एक बच गया। साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था कि साइन का क्या होता है, मेरे पास कॉस एक्स होता है, ई एक्स का अपने पास ज्यों का त्यों रहता है। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इसी को कहते हैं सेपरेशन रूल, एक तरह से कि हर टर्म का अलग अलग अपने पास डिफरेंशिएशन हो जाता है, ये बहुत आसान रहता है। अब हम लोग जानते हैं कि चेन रूल क्या होता है, क्या होता है चेन रूल। ये अपने पास सिंपल है, अभी बहुत सारा काम होगा इस पर, अभी जब जितना क्वेश्चन बनाएंगे ना सब में सेपरेशन रूल लगाना होगा अपने पास, तो वहां आपके प्रैक्टिस जम के हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं अपने पास चेन रूल क्या होता है। चेन क्या होता है, एक से दूसरा जुड़ा होता है ना, एक करी से दूसरा करी जुड़ा रहता है अपने पास, जस्ट उसी लाइक कुछ ना कुछ तरह से काम होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल से बात क्लियर हो जाएगी आपकी। y इक्वल टू दे रखा है, हम बोल रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 दे रखा है। अब इसका करना है हमको dy बाई डी एस, फाइंड dy बाई में ds निकालना है हमको। ओके तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उठाएंगे जो गिवन में हमको दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5, फिर हम वो बात लिखते हैं अपने पास कि हाँ डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके एक बार सीख गए हैं आप तो उतना आप खुद से लिख सकते हैं, मेरा काम है आपको सिखाना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। इसको करेंगे अगर हम लोग dy वाई बाई डी एक्स, हमारे पास ये एक ही टर्म है, पूरा कितना है एक ही टर्म है, इसको दो टर्म ना समझेंगे, ये इसका एंगल है इसी में शामिल है, एक ही टर्म है, अंदर में जाने का दो टर्म है। तो पहले ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइन है, एंगल में जो कुछ भी है कुछ देर के लिए वही सोचिए, कुछ नहीं है, एक साथ है। तो साइन का डायरेक्ट बोलिए कितना होता है, साइन का अगर हम लोग इसको पहले मशीन में डाल ही देते हैं, ओके अब देखिए अपने पास क्या होगा, सो साइन है, सिर्फ साइन क्या होता है पास कॉस होता है, जो एंगल रहेगा वही रहता है अपने पास यहाँ भी। हाँ आप देखिए चेन की तरह काम करेगा अपने पास, यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं है कि हम छोड़ देंगे रुक जाएंगे, एक्स के अलावा अगर कुछ है तो जो कुछ है उसका दोबारा होता है डिफरेंशिएशन, मतलब अपने पास क्या है वहां पे ये है तो इसका दोबारा होगा अपने पास डिफरेंशिएशन, इसका दोबारा कर देंगे, ये बेचारा रुका रहेगा साथ देता रहेगा अंतिम सांस तक। अब देखिए ये अब अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हम बोले थे ना अपने पास सेपरेशन रूल, अब हमारे पास ये अलग अलग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अलग से काम करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर कितना होता है डिफरेंशिएशन 2x, अब कांस्टेंट है अपने पास, ये 5 क्या है कांस्टेंट है, तो हम क्या बताए थे फॉर्मूला में कांस्टेंट का 0 हो जाता है, क्या होता है हमारे पास 0 हो जाता है, तो 0 भाग गया अपने पास सिर्फ क्या होता है 2x, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो गया 2x cos, और जो भी इसका एंगल है वो हो गया इसका पूरा फाइनल आंसर। तो चेन रूल में क्या समझना है आपको कि अगर अपने पास जो भी एक्स्ट्रा है एक्स के अलावा उसका दोबारा होगा और तब तक होता रहेगा जब तक सिंगल एक्स ना बन जाए अपने पास। तो ये था एक और एग्जांपल लेके मामला क्लियर करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपके पास वाई इक्वल टू में ई के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 है, तो इसको हम अगर डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ई का क्या होता है सेम टू सेम, ये अभी एक साथ है, ये अभी एक साथ है, तो सेम टू सेम हो गया इसका पहले एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, मगर यहाँ पे अकेले x नहीं है कि हम रुक जाएंगे, तो नहीं रुकेंगे तो क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, तो जो है x के बदले पूरा उसका दोबारा होगा डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर 5x प्लस में 6, इसको लगा देंगे मशीन में हम लोग, ये जो का त्यों रह गया अपने पास अंतिम सांस तक साथ देगा हमारा। अब देखिए फिर से लग जाएगा हमारे पास एक दो तीन टर्म है, तीनों में लग जाएगा सेपरेशन रूल, अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तीनों एक साथ है अपने पास अलग अलग करके हम पहले अलग रखेंगे, एक्स स्क्वायर का फट से बोलिए 2x हो गया, देखिए कांस्टेंट का x है,
कॉन्स्टेंट का कुछ नहीं होता है, अगर साथ में एक्स है तो अपने पास पांच रुक रहेगा, एक्स का हो गया वन, तो कितना हो गया पांच गुना वन कितना हो गया पांच, अब कॉन्स्टेंट कितना हो गया जीरो, जीरो भाग गया ये टर्म पूरा इसमें मल्टीप्लाई हो गया, आंसर कितना हो गया पास। पहले इसको लिख देते हैं हम लोग, कितना अच्छा बताइए तो हमारे पास टू एक्स प्लस में फाइव, ये पूरा का पूरा पोर्शन e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस में फाइव एक्स और प्लस में सिक्स। तो ये था आपका चेन रूल कैसे कैसे काम करता है। सो इसमें हम फिर आगे बढ़ेंगे तो आएगा अपने पास प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, और जितना भी आगे बढ़ेंगे सब में ये सब शामिल होता रहेगा अपने पास, सेपरेशन, चेन रूल सब में शामिल होता रहेगा। तो जितना बनाएंगे उतना पिछला वाला कॉन्सेप्ट अपने पास प्रैक्टिस होता रहेगा। मैथ कोई याद करने की चीज नहीं होती है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिए उतना आपका क्लियरिफाई होता रहेगा, फार्मूला आपके दिमाग में सेट होते रहेंगे, फार्मूला रटने वाला चीज नहीं है। आप क्वेश्चन बनाइए फार्मूला आपके दिमाग में बसते जाएगा पूरा, जो नहीं बनाए क्वेश्चन उसको फार्मूला रटना पड़ता है, रटा हुआ चीज ज्यादा दिन टिकता नहीं है, चाइनीज माल की तरह होता है। चलिए हम लोग अब इसमें आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, ओके हम लोग आगे बढ़ेंगे उसका प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, फिर हम लोग चैप्टर बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे हम लोग, और ढेर सारा हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी डिफरेंशिएशन शुरू हुआ है, जो बिल्कुल भी अपने पास जिनको मैथ पढ़ने नहीं पड़ता है, ट्वेल्थ मैथ ले चुके हैं हाँ, चाहे ऑप्शनल वाले बच्चे हो, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं इतना उम्मीद करता बताता हूँ आपको कि अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे आपको इससे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से, 70-80 नॉर्मल आ जाएंगे, और जो अच्छे से ध्यान देंगे 90-95 तो डेफिनेटली आ जाएंगे। ओके